हाय फ्रेंड्स, आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज की हमारी स्टोरी है अ फॉक्स एंड अ गॉट, जिसका हम हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे और साथ ही साथ इंग्लिश को कैसे पढ़ते हैं, इंग्लिश में कौन सा लेटर कहाँ साइलेंट होता है और कुछ ग्रामर की छोटी मोटी बातें भी मैं आपको बताऊँगा, जिससे आप किसी भी इंग्लिश स्टोरी का आसान तरीके से हिंदी अनुवाद कर पाएँ और इंग्लिश को समझ पाएँ। सो गाइस, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और आपको अपने रफ में, ठीक है, कुछ छोटी मोटी बातों को भी नोट करना है, ठीक है, ताकि आप जो है इंग्लिश में बहुत जल्द परफेक्ट बन पाओ। सो गाइस, चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। एक एक वर्ड का मैं आपको हिंदी बताऊँगा और उसके साथ साथ ही जो है ग्रामर की बातें भी बताऊँगा। सो गाइस, चलिए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अ फॉक्स एंड अ गॉट, एक लोमड़ी और एक बकरी, ठीक है। अ फॉक्स वॉज वॉकिंग, वॉज यानी था और वॉकिंग यानी चलना। यहाँ पर देखिए, यदि आप देखें, ध्यान से देखें, तो इसको मैंने क्या पढ़ा है, वॉक, इसमें एल साइलेंट है। ओके, इस तरह से आपको ध्यान देना है रीडिंग में। इसको हम पढ़ेंगे वॉ और किंग, वॉकिंग। तो वॉज वॉकिंग यानी चल रहा था, वॉक यानी होता है चलना, वॉक यानी चलना, ठीक है। तो एक फॉक्स चल रहा था यानी जा रहा था, कहाँ जा रहा था, नियर अ वेल, नियर मतलब पास, वेल यानी कुआं, एक कुएं के पास वो जा रहा था। सम हाउ यानी किसी भी तरह से, सम हाउ कैसे भी, ओके, या किसी भी तरह से। बाई इंसिडेंट दुर्घटना बस, बाई इंसिडेंट दुर्घटना बस। ही स्लिप्ड, वह स्लिप हो गया, स्लिप यानी फिसल गया। स्लिप्ड क्या है, स्लिप का सेकंड फॉर्म है, स्लिप, स्लिप हो जाना मतलब फिसल जाना, ठीक है, फिसल जाना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, स्लिप में क्या किया गया है, पी को डबल करके क्या लगा दिया गया, ई डी, तो ये बन जाता है स्लिप्ड, सेकंड फॉर्म। स्लिप का सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्लिप्ड। तो चूँकि स्टोरी पास्ट में है, तो स्टोरी में सबसे ज़्यादा जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वह फिसल गया, इसका मतलब होगा इन, यानी उस कुएं में वो फिसल गया और गिर गया। इट वॉज नॉट अ वेरी डीप वेल, यह बहुत गहरा कुआं नहीं था। ओके, इट यानी यह, इस कुएं की बात हो रही है। तो यह बहुत यानी डीप, डीप यानी गहरा, वेल यानी कुआं, तो यह बहुत गहरा कुआं नहीं था। ओके, ही ट्राइड, उसने प्रयास किया, ही यानी उसने, पुरुष के लिए यूज करते हैं ना, मेल के लिए, उसने किसी मेल के लिए, तो उसने ट्राई किया, ट्राइड, ट्राइड क्या है, ट्राई का सेकंड फॉर्म है, राइट। तो ट्राइड यानी प्रयास किया, उसने प्रयास किया, हिज बेस्ट, अपना बेस्ट यानी अपना सबसे अच्छा उसने प्रयास किया। टू गेट आउट यानी बाहर आने का, टू गेट आउट यानी बाहर आना। बट कुड नॉट, लेकिन नहीं आ सका, यहाँ पर कुड, इसको क्या पढ़ेंगे, कुड, इसमें भी क्या है, एल साइलेंट है, कुड, जिसका मतलब होता है सका या पाया, तो वो नहीं कर सका यानी बाहर नहीं आ सका, वो बाहर नहीं आ पाया। ये दोनों ही हिंदी सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप कुड को नोट कर सकते हैं। ओके, जो मैं मीनिंग बता रहा हूँ छोटी मोटी, ट्राइड, कुड, जिसमें भी दिक्कत है आपको, जो वर्ड आपके लिए नया है, उसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पैरा आप देख रहे हो कि एट दैट टाइम, एट दैट टाइम यानी उस समय, एट यानी ये टाइम के लिए आता है, यानी जब हम बात करते हैं किसी समय की, एट दैट टाइम, एट दिस टाइम, इस समय पर, तो यहाँ पर आप एट का मतलब पर कर सकते हो, दैट यानी उस,
राइट, दैट यानी उस, तो उस समय पर अ वेरी थर्स्टी गॉट पास्ड बाय द वेल, यानी उस समय अ वेरी थर्स्टी, थर्स्टी, थर्स्टी यानी प्यासा, तो इसको हम थिर नहीं पढ़ेंगे, थिरस्टी, थर्ड। यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, आई का उच्चारण आ हो रहा है, आ था, जैसे टी एच का हो गया था, आई का हो गया आ, थर्स्टी यानी एक प्यासा, एक बहुत प्यासा, वेरी थर्स्टी गॉट, बहुत प्यासी बकरी, पास्ड बाय मतलब होता है गुजरना, कहाँ से गुजरी, बाय द वेल, वो जो कुआं था उसके पास से गुजरी, पास हुई, एंड और शॉ देखी, शॉ क्या है, सी का सेकंड फॉर्म है, सी, सी यानी देखना, राइट। ऐसे छोटे मोटे वर्ड मैं बताता रहता हूँ, ठीक है, जो डेली यूज होते हैं, बहुत बार यूज होते हैं किसी स्टोरी में या पढ़ने में या बोलने में, तो इनको मैं बार बार बताता रहता हूँ ताकि आपको ये वर्ड रट जाएँ, ओके, और आपकी इंग्लिश बेहतर हो पाए। तो सॉ देखा, द फॉक्स देयर, देयर मीन्स वहाँ, तो वहाँ उस गॉट ने उस फॉक्स को देखा, राइट। सी आस्क्ड, वह पूछी, आस्क्ड क्या है, आस्क का सेकंड फॉर्म है, पूछी, वह पूछी, द फॉक्स, उसने फॉक्स से पूछी, क्या पूछी, फॉर वॉट ही वॉज डूइंग देयर, सो द फॉक्स, वॉट ही वॉज डूइंग देयर, तो उसने फॉक्स से पूछी कि तुम वहाँ क्या कर रहे हो, वॉट वॉज, सॉरी, वॉट ही वॉज डूइंग देयर, यानी वह वहाँ पर क्या कर रहा था, वह क्या पूछी कि वह वॉज डूइंग, कर रहा था, देयर वहाँ, तो वह वहाँ क्या कर रहा था, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फटाफट देखते हैं, ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है, ओके, मैंने स्मॉल स्टोरी ली है ताकि बहुत टाइम ना लगे और आपको जो है ज़्यादा बोर भी ना लगे, हैं, ठीक है। द कनिंग फॉक्स, कनिंग यानी इसको हम पढ़ेंगे कनिंग, नॉट क्यूनिंग, ठीक है, क्यूनिंग पढ़ना गलत है, पूरा गलत है, राइट, क्यूनिंग गलत है, इसे क्या पढ़ेंगे, क, कनिंग, कनिंग मतलब चालाक, चालाक या कह सकते हो आप सातिर, ठीक है, धूर्त, इस तरह से कई सारे वर्ड होते हैं हिंदी में, तो धूर्त, तो आप सब लोग जानते हो कि जो फॉक्स होती है, लोमड़ी होती है, वो बहुत चालाक होती है, तो उसने रिप्लाई किया, रिप्लाई किया यानी कि जवाब दिया, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, दैट यानी कि, उसने जवाब दिया कि ही हैड हिमसेल्फ जम्प्ड इनटू द वेल, उसने कहा कि वह खुद उस वेल में, उस कुएं में उसने अपने आप को जंप करा लिया है, यानी उसने खुद जंप कर उसमें किया है, ही हैड, हैड के बाद आता है जम्प्ड, जंप क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जंप, हिमसेल्फ यानी वह स्वयं, वह खुद, तो उसने खुद जंप कर लिया था, कर लिया था, क्योंकि हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ रहा है ना, हैड और जंप्ड, इसलिए इसकी हिंदी निकलेगी कर लिया था, ठीक है, या कोई काम हो गया था, ये ध्यान देना है आपको, हो चुका था या हो गया था, ठीक है। कब निकालेंगे, जब हैड के बाद थर्ड फॉर्म हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो, उसके पहले कोई एडवर्ब चलेगा बट हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो उसका हिंदी हम निकालेंगे कि कोई काम हो गया था या हो चुका था, तो वह जंप कर लिया था इनटू द वेल, यानी उस कुएं में, इनटू आने में। फिर आई फाइंड इट वेरी कूल एंड प्लीजेंट, उसने बताया कि आई फाइंड, एक्चुअली यहाँ पर फाउंड होना चाहिए, ओके, यहाँ पर क्या होना चाहिए, फाउंड, फाइंड का सेकंड फॉर्म, कई बार स्टोरी में गलती हो जाती है,
जो राइटर होते हैं लिखते हैं तो वहाँ पर कुछ स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होना चाहिए फाउंड, क्योंकि ये पास्ट की स्टोरी है और यहाँ पर जो है फाउंड सही रहेगा। तो फाउंड यानी होता है पाया, तो आई फाइंड, आई फाउंड, आई मतलब मैं या मैंने, ठीक है, आई का मतलब मैंने भी होता है। तो मैंने पाया, मैंने क्या पाया, इट वेरी कूल एंड प्लीजेंट, मतलब यह बहुत कूल है, जो वाटर है बहुत अच्छा है, बहुत कूल है, प्लीजेंट है, प्लीजेंट यानी आनंददायक, राइट, आनंददायक। आप लोग ये वर्ड सुने होंगे काफ़ी ज़्यादा, तो प्लीजेंट मतलब होता है आनंददायक। नेक्स्ट, इफ यू वांट, यदि तुम चाहती हो, इफ यानी यदि, इफ यू वांट, तुम चाहती हो, तो यदि तुम चाहती हो टू ड्रिंक स्वीट एंड कोल्ड वाटर, यानी मीठा पानी, तुम मीठा पानी पीना चाहती हो और मीठा और ठंडा पानी, सॉरी मीठा, स्वीट एंड कोल्ड, मीठा और ठंडा पानी तुम पीना चाहती हो, तो कम डाउन, कम डाउन, कम यानी आना और डाउन मतलब नीचे, तो मतलब तुम नीचे आ जाओ, एंड एक्सपीरियंस द प्लीजर हेयर, हेयर मतलब यहाँ, तो तुम यहाँ नीचे आकर किसका एक्सपीरियंस करो, प्लीजर का, आनंद, प्लीजर मतलब खुशी या आनंद, ठीक है। तो तुम यहाँ आकर, नीचे आकर आनंद को एक्सपीरियंस करो, आनंद को महसूस करो, ठीक है। चलिए आखिरी पैराग्राफ है स्टोरी का, विदाउट थिंकिंग, विदाउट आने बिना, थिंकिंग सोचे, सोचना, तो बिना सोचे ऑफ द रिजल्ट, परिणाम के बारे में, रिजल्ट यानी परिणाम, तो परिणाम के बारे में बिना सोचे, सी जम्प्ड इनटू द वेल, वह गॉट, सी यानी कौन, वह गॉट, जो बकरी थी वो उस कुएं में जंप कर गई यानी कूद गई, द फॉक्स यानी वही फॉक्स, वही लोमड़ी, एट वंस जम्प्ड ऑन हर बैक, यानी वो जो फॉक्स पानी में गिरा हुआ था, उस कुएं में गिरा हुआ था, तो जैसे ही वो गिरती है बकरी, तो वो उसके ऊपर एटवंस, एटवंस यानी तुरंत, उसने तुरंत क्या किया, उसके पीठ पर पैर रखा, बैक यानी पीठ, उसने उस, उसके यानी उस जो वहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं, फॉक्स की और एक गॉट की, जो गॉट जंप की थी पानी में, कुएं में, तो उसके ऊपर वो पैर रख कर, ठीक है, उसके पीठ में पैर रख कर वो जंप कर गई और कुएं से बाहर चली गई, कौन, लोमड़ी, एंड विथ अनदर जंप ही वॉज आउट ऑफ वेल, यहाँ पर ही आया है फॉक्स के लिए, ओके, यानी कि वो मेल है, ठीक है, वो एक मेल है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो वह कुएं से बाहर चला गया, आउट ऑफ वेल पहुंच गया, द फॉक्स स्माइल्ड, फॉक्स हंसा, उसने स्माइल किया, ठीक है, एट द पुअर गोट, बेचारी गोट पर, यहाँ पर पुअर का मतलब है बेचारा, गरीब नहीं, बेचारा या बेचारी, तो बेचारी बकरी जो है हंसी, एंड वेंट हिज वे लीविंग बिहाइंड द गोट टू रिपेंट, वेंट हिज वे लीविंग बिहाइंड, यानी वो जो उसके तरीके थे, उसके अपने वे, वे मतलब मार्ग, पाथ या तरीके थे, वो उनको पीछे छोड़कर, लीविंग बिहाइंड मतलब पीछे छोड़ना, द गॉड टू रिपेंट, ठीक है, जो गॉड थी बकरी थी उस पर उसको रिपेंट हो रहा था, रिपेंट यानी पछतावा, ओके, रिपेंट यानी पछतावा।
चलिए फ्रेंड्स, फटाफट हम स्टोरी का मोरल देख लेते हैं कि इस स्टोरी से हमें शिक्षा क्या मिली। ठीक है, मोरल यानी शिक्षा, तो क्या शिक्षा मिली, क्या सीख मिली। ठीक है, देखिए, लुक बिफोर यू लीप। लीप यानी होता है उछलना। क्या होता है? उछलना। बिफोर मीन्स पहले, और लुक यानी देखना, तो यू यानी तुम उछलने के पहले देखो। मतलब किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में ज़्यादा उत्साहित होने से पहले उसको आप समझिए, उसको देखिए, फिर उस काम को शुरू करिए, फिर उस बात में आप आगे जाइए, उस बात में आप पढ़िए, नहीं तो हो सकता है आपको पछतावा हो सकता है। इस गॉड की तरह, इस बकरी की तरह आपको अपने जीवन में जो है, यदि आप बिना विचारे बिना समझे कुछ काम करते हैं तो आपको अपने जीवन में पछतावा हो सकता है, या आपका बहुत सारा समय या पैसा बर्बाद हो सकता है। सो गाइस, इस तरह से स्टोरी पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और नई नई जानकारी जो है लेते रहिए, और अपने जीवन को अच्छा बनाने के साथ साथ अपने इंग्लिश को भी बेहतर इम्प्रूव करते रहिए। आप सभी का लास्ट में हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।